Hi girls, this is me Praja और आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं रिव्यू करने वाली हूँ दो प्रोडक्ट्स के बारे में जो है सिवाना कॉस्मेटिक्स से और ये हाल ही में मैंने अपने एक इंस्टाग्राम सेलर से ख़रीदा है और मैं उस सेलर के बारे में भी आपको बताना चाह रही थी इसलिए मैंने ये स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकूँ प्लस उस सेलर के बारे में भी इंट्रोड्यूस करा सकूँ तो सबसे पहले मैं सेलर की बात करती हूँ तो सेलर जो इंस्टाग्राम पे आपको बहुत ईजिली मिल जाएंगे उनका नाम है जो पेज वो चला रहे हैं उस पेज का नाम है cherish.enterprise मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से उनको ओपन कर सकते हैं सेकंड द गर्ल्स नेम इज आरुषि आई गेस ये शिवाना के सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं एंड एक अफोर्डेबल रेंज में तो आप उसके पेज को जरूर चेकआउट कीजिएगा और आपको वहां पे लिपस्टिक्स हाइलाइटर ब्लशेस बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपको एक अफोर्डेबल रेंज में मिलेंगी तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें उनसे ऑर्डर की हैं वन इज दिस शिवाना बेक्ड फ्लावर शीट एंड द सेकेंड वन विच आई हैव ऑर्डर्ड इज एन आईब्रो पैलेट जो कि है शिवाना कलर्स की तरफ से इट्स माय शिवाना कलर्स आईब्रो और ये दोनों मैं आपको बताऊंगी ये दोनों बहुत ही अच्छे इसके बहुत सारे शेड्स हैं उनके पास जो मैंने शेड ऑर्डर किया है उसका नंबर है 7 एंड इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको एंड ये बहुत ही गॉर्जियस है इसमें एक लाइट पीच कलर का शेड है प्लस एक बेबी पिंक कलर शेड है ये दोनों आप ब्लश के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं एंड ये नंबर 7 है दिस इज़ नंबर 7 तो इसको आप इन दोनों कलर्स को जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर चीक्स ये बहुत अच्छे जाएंगे और मैं इसका स्वॉच भी आपको दिखाऊंगी इसलिए मैंने अपना मेकअप जो है बेस जो है बहुत हैवी तो नहीं बट हाँ बीबी क्रीम मैंने अपने चेहरे पे लगाया है मैं बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं करना चाह रही थी मुझे बिकॉज एक रिव्यू बनाना था बस इसलिए मैंने एक हल्का सा बीबी क्रीम अप्लाई किया अपने चेहरे पे बट मैं इसके स्वॉचेस आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगी ये बहुत ही प्यारा पिंक और पीच कलर का शेड है जो कि आप दोनों एज इसमें तीन एक्चुअली शेड है एक पीच कलर का शेड है एक पिंक है और एक थोड़ा लाइट पिंक और ब्राउन जैसा कॉम्बिनेशन है तो ये तीन आपको कलर इसमें दिखाई देंगे तीन डिफरेंसेस हैं आप तीनों को फॉर योर चीक्स ब्लश की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं इवन आप इसे आई शेडो की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो मेरे ख्याल से ये डेली यूज़ के लिए बहुत अच्छा जाएगा अगर आप नो मेकअप मेकअप लुक चाहते हैं या आप डेली किसी पर्पज़ के लिए रेडी हो रहे हैं तो दीज कलर्स आर गुड इनफ आप इनको ट्राई कर सकते हैं ऑन योर डेली बेसिस मैं इसका पिगमेंटेशन आपको स्वॉच के थ्रू दिखाती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये जो पिंक कलर है इसका स्वॉच दिखाऊंगी बहुत ही पिगमेंटेड है बट मेरे चेहरे पे आपको शायद लाइट इफेक्ट्स की वजह से इतना क्लियर ना दिख रहा हो ये बेबी पिंक कलर है और ये बहुत अच्छा जाएगा फॉर डेली पर्पस एंड सेकंड मैं आपको दिखाती हूँ इस पीच वाले का जो मैंने अभी अप्लाई किया था तो ये पीच कलर का है एंड इसका भी मैं स्वॉच दिखाती हूँ आपको बहुत ही पिगमेंटेड है ये भी ये दिस वन लाइट पीच कलर है एंड थर्ड स्वॉच मैं आपको दिखाती हूँ ये जो तीसरा कलर है आई एम एबल टू आई गेस दिख रहा है आपको ये थर्ड वाले का स्वॉच दिखाती हूँ जो कि कुछ ऐसा दिखेगा शायद मेरे हाथ पे तो ये तीनों कलर हैं जो इसके साथ आए हैं ये बेबी पिंक कलर है और ये थोड़ा सा पीच शेड में है एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पिंक यू कैन से एंड अ लिटिल बिट ऑफ द स्पीच तो ये थोड़ा सा ब्राउन इफेक्ट दे रहा है बट ये एक्चुअली में ब्राउन नहीं है और मैंने ये पीच वाला शेड जो है अपने गालों पे लगाया है बट ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं है बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है इसलिए आप इसे डेली पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी जो पैकेजिंग है इट इज़ वेरी गुड इसमें कोई मिरर नहीं है हाल फिलहाल बट या ये एक डबल डेकर पैकेजिंग में आया है जिसके नीचे इन्होंने एप्लीकेटर भी दिया हुआ है आप इसकी मदद से भी इसे अप्लाई कर सकते हैं और यू कैन यूज़ योर ब्रश ऑल्सो या फिर आप अपनी फिंगर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये मेरा पहला प्रोडक्ट था जो मुझे पसंद बहुत आया है शिवाना कलर्स इन बेक्ड फ्लावर्स चीक तो ये आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा
इन सब के प्राइसेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आप उनका पेज भी चेकआउट कर सकते हैं, उस पेज पे उन्होंने सारे मेंशन कर रखे हैं। सेकेंड वन वॉज ये था ब्राउ किट एंड मुझे बहुत ज़रूरत थी एक ब्राउ किट की। ऑल्दो मेरे पास बहुत से आईब्रो पेंसिल्स एंड बहुत से आई जेल लाइनर्स हैं जिनकी मदद से मैं अपने आईब्रोज को ग्रूम कर सकती हूँ, बट आई नीडेड वन तो मैंने इसको ऑर्डर किया है एंड लेट अस सी कैसा है ये। इसके भी बहुत सारे शेड्स आपको मिलेंगे इनके पेज पे। जो मैंने शेड ऑर्डर किया है वो है नंबर 3 एंड ये बहुत ही क्यूट है, एक छोटे से पैकेजिंग में है, बहुत ही क्यूट है। इसको ओपन करते हैं चलिए, एंड ओपन करने पे ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये 2 शेड्स हैं, एक डार्क ब्राउन शेड में है एंड एक ग्रे शेड में है। आप दोनों को किसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ग्रूमिंग योर आईब्रोज एंड ये एक छोटे से मिनी एप्लीकेटर के साथ आता है, आप इसकी मदद से भी अपने आईब्रोज को ग्रूम कर सकते हैं और अदरवाइज आपके जो ब्रशेस हैं आईब्रो ब्रशेस हैं आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक मिरर के साथ भी आता है तो मिरर की ज़रूरत नहीं है हमें फिलहाल। तो ये है हमारा आईब्रो किट जो कि मैं शायद आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। तो आई विल ट्राई दिस ग्रे कलर और मैं इन्हीं के एप्लीकेटर से इसको यूज़ करूँगी, बहुत पाउडरी है और तो लेट अस ग्रूम आवर आईब्रोज। मेरी आईब्रोज वैसे भी बहुत डार्क हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग की ज़रूरत नहीं होती है, मैं बस अपने जो बॉल्स जो फिलर्स हैं उनको ही फिल करने वाली हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे अप्लाई करने की इसे ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं बस अपने गैप्स जो मेरे आईब्रोज के बीच में हैं उनको फिल कर रही हूँ एंड यू कैन सी सेम मैं सेकेंड आईब्रो के साथ भी करने वाली हूँ। जस्ट हैव टू ग्रूम, हम सिर्फ ग्रूम कर रहे हैं, दैट मीन्स हम सिर्फ फिल कर रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा हाईलाइटिंग या बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं कर रहे हैं अपने उसको। तो या ये मैंने अपने शिवाना के जो ब्राउ किट आई थी उससे मैंने अपने आईब्रोज को ग्रूम कर लिया है एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है, ये मेरे आईब्रोज के साथ बहुत अच्छे से जा रहा है और डार्क ब्राउन भी जो है इनका ये भी बहुत अच्छा है। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप चाहें तो अपने ब्राउज पे। तो ये था इनका मिनी एप्लीकेटर जिसको मैंने अभी आपके सामने यूज़ करके दिखाया। तो ये एंड दोनों के प्राइस जो थे वो बहुत ही अफोर्डेबल थे, बिलो 500 हैं। आप इसको बहुत इजीली और बहुत आसानी से उनसे ऑर्डर कर सकते हैं, आप थ्रू नेट बैंकिंग या फिर किसी भी अदर सोर्स से जिससे वो कंफर्टेबल हैं एंड आप कंफर्टेबल हैं पे कर सकते हैं। सो या दीज आर द कलर्स, लेट मी कंप्लीट माय लुक विद अ शेड ऑफ लिपस्टिक ऑन माय लिप्स, नो आई बी यूजिंग दिस। सो या लेट मी कंप्लीट माय लुक विद दिस nice gorgeous lipstick shade, it is from color essence and it is an antique ruby shade and this is my favorite lipstick and I'll just complete my look with this lipstick. आई गेस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप उस सेलर को बिल्कुल चेक करेंगे, मैं उसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ बट या मैंने जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए वो मुझे बहुत पसंद आए हैं और मैंने जो पेज पे देखा है दे हैव वेरी अफोर्डेबल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर शिवाना कॉस्मेटिक्स। तो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं और आप उनको यूज कर सकते हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए परफेक्ट है, अदरवाइज आप दूसरे ब्रांड्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे 3 स्वॉचेस जो मैंने आपको इनके ब्लश के दिखाए एंड ये मैंने आईब्रोज अपनी ग्रूम की हैं इनके शिवाना आईब्रो किट से। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को उनसे ऑर्डर कर सकते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
तो चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक मैं करती हूँ बाय। एंड आप मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, ताकि मेरा सब्सक्राइबर ग्रुप बढ़े एंड मेरी फैमिली बढ़े। चलिए बाय बाय।